यूपी की हवा में अब सियासी ताप बढ़ने लगा है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन प्रक्रिया जारी है। शुक्रवार को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का नामांकन पूरे दिन चर्चा में रहा, तो वहीं अन्य जिलों में भी सभी दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में जाकर जनता से वोट मांगना है। लाजमी है कि सभी दल जनता के बीच में अपनी अपनी पीठ थपथपाएंगे और विपक्षी दलों का विरोध करेंगे, जो सिलसिला नामांकन के बाद से ही शुरू हो चुका है। वर्मा जी, आज माधुरी वर्मा जी ने नामांकन किया है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भारत के संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा तमाम तरीके से दावे कर रही है कि उन्होंने इतना विकास कर दिया है कि उनको चुनाव 300 पार सीटें लाएंगे। बाबा बच जाए वही बड़ी बात है। बाबा अपनी खुद शुद्ध खबर ले, वो जीतेंगे कि हारेंगे। बहराइच में एक भी सीट भाजपा नहीं जीतेगी। बात करें बहराइच जिले की, तो शुक्रवार यानी 4 फरवरी को जब सियासतदान नामांकन करने पहुंचे, तो पार्टी का गुणगान करने के साथ विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। जिले के नानपारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की बागी विधायक और सपा प्रत्याशी माधुरी वर्मा नामांकन करने पहुंची, तो प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। हमारे मुद्दे बीजेपी में थे, लेकिन हमारे बीजेपी में कुछ काम नहीं हो रहा था। हमारा ना कोई क्षेत्र का विकास हुआ, तो जनता के बीच जाते हैं तो हम काम के रास्ते जाते हैं कि भाई काम हम जनता से वादा करके आते हैं कि हम आप हमको जो जिताएंगे तो हम आपका काम पूरा करेंगे। लेकिन हमारी ऐसी है पार्टी बीजेपी की थी कि किसी का हमारा काम नहीं हुआ। जो कोई काम के लिए जो हम कहें तो हमारा काम कुछ नहीं हुआ। और पहला मुद्दा तो हमारा नानपारा का जिला बनाने के था। माननीय मुख्यमंत्री जी से 4 बार हमू विधायक जी 3 बार मिले, 4 बार, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं वादा लिया कि ठीक है बहादुरी हम आपका जिला बनाने के लिए वादा नहीं किया। तो जो हमारा जिला नहीं बनेगा, हम जनता के बीच जाने लायक नहीं रहेंगे, तो पार्टी में रहने से क्या फायदा। वहीं कैसरगंज सीट से कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की आयु 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि मुकुट बिहारी वर्मा की जगह उनके पुत्र गौरव वर्मा को पार्टी मैदान में उतार सकती है। अंततः कयास सच हुआ और बीजेपी ने मुकुट बिहारी वर्मा के बेटे को पार्टी का टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को विश्वास करके विधानसभा कैसरगंज का प्रत्याशी बनाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको परिलक्षित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के दुख सुख में खड़े रहकर उनके सुख की चिंता करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और मैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। कहीं बगावत है तो कहीं अदावत है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है, ये पूरे प्रदेश का दस्तूर है। कोई किसी भी परिस्थिति में पार्टी के साथ जुड़ा रहा, तो कोई हवा का झोंका लगते ही एक दल से उड़कर दूसरे दल में जा गिरा। देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले 10 मार्च को यह बगावत और यह अदावत कितना कारगर साबित होती है। डेली इंसाइडर के लिए बहराइच से अक्षय शर्मा की रिपोर्ट। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।